नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम पर संदेश दिया। राष्ट्र के नाम पर इस संदेश में आज ये फैसला किया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार यानी कि केंद्र उठाएगी। ये व्यवस्था 2 हफ्ते में लागू की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार जरूरी तैयारी कर लेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त में दिया जाएगा। चलिए आपको भी सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासी। वहीं पर अलीगढ़ में अवैध जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। इस मामले को लेकर अलीगढ़ में आज बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। साथ ही पूरी घटना की CBI जांच की मांग करते हुए मृतकों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग की है। मामले पर मजिस्ट्रेट ने बताया कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि अलीगढ़ में हुए जहरीली शराब मामले को लेकर कुछ मांगे की गई हैं और ज्ञापन पर कार्रवाई की जाएगी। जो अलीगढ़ में 28 मई से जहरीली शराब पीने से कम 100-125 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। सरकार ने अभी तक उनके लिए कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया है। बेवकूफ बनाने के लिए कृषक योजना के तहत शासन प्रशासन ये कर रहा है कि 5 लाख रुपए उनको देंगे, अभी तक उसमें कोई। ताजनगरी आगरा की विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित ADA हाइट्स कॉलोनी के लोगों ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं पर आज इस मामले में सिक्योरिटी गार्डों ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि उनको पहले से कोई सूचना नहीं दी गई, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और इस कोरोना काल में वो कहां पर नौकरी ढूंढेंगे, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। क्या कुछ समस्या आई है जो कि आप लोगों को इतना विरोध प्रदर्शन करना पड़ा था? मैडम ऐसा हुआ था कि हम लोगों के पास कोई सूचना नहीं थी, जैसे लोग निस दिन ड्यूटी आते थे वैसे हम लोग ड्यूटी आए हैं। सुबह आते ही हम लोगों को मना किया गया कि आप ड्यूटी से बर्खास्त हो गए, आप किसी को ड्यूटी नहीं है, दूसरे आदमी भर्ती करने पड़ेंगे। तो सर अभी सिगरेट में हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपने बच्चे पालेंगे, कैसे हम लोग दाल रोटी के इंतजाम करेंगे। एक तो सैलरी हम लोग की कम है, 9,000 रुपया 12 घंटे की दे रहे हैं, कोई PF PSIA नहीं है, उसमें भी हम लोग कैसे करके गुजारा कर रहे हैं, दाल रोटी की चटनी रोटी की। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो? 9 साल तकरीबन हो गया हमें, तो कोई शिकायत कोई कंप्लेन हमारे खिलाफ कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही हमारे वॉलंटियरों की तरफ से कोई शिकायत। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे नंबर पर जमकर हमला किया। विवाद में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इलाके में काफी ज्यादा पुलिस बल को तैनात कर दिया है। अवैध शराब से हुई मौतों को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जालौन में अवैध शराब के रोकथाम के लिए सभी जिलों में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ में मिलकर राशन की दुकानों पर शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शराब विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिए, अवैध शराब की बिक्री न होने पाए और अगर अवैध शराब बिकती हुई पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के बिरौचा द्वितीय कोटा में निःशुल्क राशन वितरण किया गया। राशन वितरण के दौरान विधायक लाल बहादुर और नोडल अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान महिला ग्राम प्रधान के साथ में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष नीरज कुमार पांडे के साथ में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौके पर मौजूद रहे। मंडल उपाध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना ने सभी लोगों को काफी मुसीबत में डाल दिया और इसलिए हर जरूरतमंद लोगों तक राशन और बाकी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि राशन बांटने के साथ में वृक्षारोपण भी किया गया है। रायबरेली में पंचायत चुनाव में नामांकन करने जा रहे प्रत्याशी पर दबंगों ने हमला कर दिया। घटना के बारे में जानकारी मिली तो दबंगों ने प्रत्याशी को रोककर जमकर फायरिंग की। गनीमत रही कि हमले में प्रत्याशी बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुनकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीण लाठी डंडों से हमलावरों पर अटैक कर दिया। ये घटना एरिया क्षेत्र के मंचितपुर गांव की बताई जा रही है। सदस्य हम लेके आ रहे थे यहाँ पे और रास्ते में हमारे सदस्यों को हमको बाबी जी ने घेरा और घेर के हमारे ऊपर फायरिंग की। 10-12 लोग हम थे जो सदस्य, सब लेके 6 सदस्य और 4-5 लोग हम थे साथ में। 4 गाड़ियों से वो लोग आए थे, 18-20 लोग, और उनके सबके हाथ में पिस्टलें थी और फायरिंग किया उन्होंने। यहाँ गांव में पर्चा दाखिला को लेकर के मेंबरशिप का जो पर्चा दाखिला हो रहा है उसी को लेकर के थोड़ा सा लोग गांव के उत्तेजित हुए थे, जिनको समझा बुझा करके घर वापस कर दिया गया है। अब कोई समस्या नहीं है, लाइन अड्डे में कोई समस्या नहीं है। सीतापुर में डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान डीएम ने साल 2021-22 में वृक्षारोपण की तैयारी के लिए विभागावार समीक्षा की है। डीएम ने यहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी के साथ में डीएम ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया है और टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की है कि कोविड के नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा जरूर बने। स्वच्छ भारत मिशन और कोरोना महामारी को देखते हुए गांव में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन सीतापुर में नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। इलाके में गंदगी और जलभराव की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। लोगों ने यह भी कहा कि पालिका कर्मचारी इसी रास्ते से होकर दिन में कई बार तहसील परिसर जाते हैं लेकिन पाइप ठीक करना व ठठेरी टोला पर लगी हुई गंदगी को हटाना जरूरी नहीं समझते।
शाहजहांपुर में आर्थिक तंगी से परेशान एक परिवार के चार सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया है कि शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित कच्चे कटरा मोहल्ले में रहने वाले चार लोगों के शव उनके घर में ही लटके मिले। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कि आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होने के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात लिखी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच जारी है। अखिलेश गुप्ता है, इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे, ये अभी मैंने घटनास्थल देखा है और वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा है, तो ये प्रथम दृष्टया ऐसा है कि ये फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या की है। एक सुसाइड नोट भी मिला है जो फील्ड यूनिट वालों ने पूरा सर्च किया है, जो तरीके होते हैं फील्ड यूनिट के उसके आधार पर, तो उसके आधार पर भी हमारी आगे कार्रवाई चलेगी, जाँच होगी इसकी कि इसमें क्या सत्यता है, और अभी फिलहाल इनके जो शव हैं इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। सुल्तानपुर में सरकारी कर्मचारी से 30 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। दरअसल आरईएस विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं। बीते 31 मई को अमेठी से वापस लौटते समय मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन कराने वाले ने 30 लाख की फिरौती की डिमांड की। फिरौती न देने पर अज्ञात लोगों ने अपहरण करने की धमकी दी। वहीं इस मामले में अब पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लूट के मोबाइल से बदमाशों ने फिरौती मांगी थी और फिरौती न देने पर कर्मचारी के बेटे के अपहरण की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2 लाख रुपए लूटने कर बदमाशों को क्राइम ब्रांच और गुलरिया थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों टीमों ने बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीम ने मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया और दोनों को उनके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। देखिए, विगत दिनों में गुलरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटहट चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक जनसेवा केंद्र में, बैंक के जो जनसेवा केंद्र, वहाँ से जो वहाँ के ऑफिस में घुस के 3 लोगों ने 2 लाख लगभग नगद लूटने की इन्फॉर्मेशन आया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, FIR तत्काल लिखवाया 3 अज्ञात के विरुद्ध, और उसमें CCTV कैमरा फुटेजेस वगैरह कंगाला, और उसी के चलते मैनुअल मुखबिरी के चलते एक सूचना ऐसी मिली है कि रात में बदमाश उधर से गुजर रहे हैं जो कि उस लूट से संबंधित लोग हैं। उसे घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश किया गया था, तभी पुलिस पार्टी पे उन लोगों ने अंधाधुंधा फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस अपने आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिनका पहचान संतोष एवं गौरव नाम के व्यक्ति हुए हैं। ये दोनों सहजनवा क्षेत्र के रहने वाले, पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इनका है। इनके द्वारा कबूला भी किया है कि इन्होंने गुलरिया थाने की लूट किया है, तो इनको मेडिकल हॉस्पिटल ले भेज के उनका प्राथमिक उपचार किया है, अभी वो सेफ है। अन्य जो अभियुक्तों के बारे में लगातार लखनऊ में सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी संतोष कुमार को छात्रों के द्वारा विशेष रूप से तैयार कोविड किट भेंट की गई है। छात्रों का कहना है कि उनको पता चला कि साधारण उपकरण जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर की भारी कमी है, इस वजह से कई मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। अब छात्रों द्वारा दान की गई किट लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बता दें कि दूर दराज गाँव के कोविड के जो मरीज हैं उनके लिए स्थानीय छात्रों के समूह की अनूठी ये पहल है और छात्रों की इस मदद की उप जिलाधिकारी संतोष कुमार ने भी सराहना की है। हम लोग देखते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं, गांव वगैरह, वहां पर इन चीजों की बहुत कमी है और लोगों को टाइम पर पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग ने सोचा कि अगर हम SDM साहब के थ्रू ये ऑक्सीमीटर रूरल गांव वाले जगहों पर दे पाएँ, क्योंकि हमारे लिए खुद वहां जाना थोड़ा मुश्किल है और साहब को ज़्यादा बेहतर पता है कि कहां किस चीज़ की कमी है। तो हमें लगा कि इनको दे देना चाहिए, तो हमने ये एक स्टार्ट किया है। सिर्फ इसमें छात्र हैं सारे CMS के यहाँ भी, और हम लोगों ने पैसे इकट्ठा करिए ऑनलाइन फंड रेजर्स के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, और उसके बाद से हमने पूरी खुद से ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है। ये सब कहाँ से सीखा आपने? करने बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो ये सब कर रहे हैं, बहुत सारे NGOs हैं, लेकिन हमने ये देखा कि रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने SDM साहब को अप्रोच किया, हमें गांव जाना बहुत मतलब असुविधा है। समृद्धि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, छात्रा हैं इसी
पहल से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है समृद्धि आपका प्राइम टीवी पर। समृद्धि, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप अनूठी पहल चला रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे शुरुआत की आप लोगों ने? नमस्ते, मेरा नाम समृद्धि शर्मा है और हम लोग युवा योद्धा ग्रुप से हैं जिसमें 6-7 बच्चे जुड़े हुए हैं। और हमें इसकी प्रेरणा ये देख के मिली कि बहुत इस समय बहुत ज्यादा कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और बहुत कम जानकारी है युवा को, और हम लोग प्रेरणा युवा को हम लोग बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो जागरूक हो सके और प्रॉपर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों का पालन कर सके। और इस तीसरी लहर से हमें लोगों को बचाना है और हम लोग गरीबों की भी बहुत सहायता कर रहे हैं और हम लोग मास्क अपनी पॉकेट मनी से डोनेशन से हम लोग ने ऑक्सीमीटर, मास्क, थर्मामीटर, सैनिटाइजर खरीदा है और हम लोग युवा को दिए हैं कि युवा जागरूक हो और वह कोविड को सही से ले सके। समृद्धि, आपने कहा कि जो आप लोग ये चीज़ें खरीद रही हैं, पल्स ऑक्सीमीटर हो या फिर तमाम चीज़ें हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से खरीद रही हैं, इसके अलावा भी क्या कोई मदद आपको मिल पा रही है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, या फिर कोई और है जो आपकी मदद कर रहा हो इस नेक काम में? जी, अभी तक तो नहीं मिल पाई है। अभी तक हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा करके ये सारे सामान इकट्ठा किए हैं और हम आदरणीय SDM साहब को सरोजनी नगर में भिजवाया है और हम चाहते हैं कि और मदद मिले और प्रशासन से सबसे, और अभी तो हम लोग अपनी पॉकेट मनी से ही कर रहे हैं। में कितने लोग हैं जो लोग अपनी पॉकेट मनी से इस काम में लगे हुए हैं? क्या आपकी जो फैमिली है वो भी सपोर्ट कर रही है आप जो ये काम कर रही हैं? जी जी, हमारी फैमिली का पूरा सपोर्ट है इसमें और 6-7 बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है और हम चाहते हैं कि और लोग भी हमें सपोर्ट करें जिसके कारण हम लोग इस तीसरी लहर को, कोरोना की जो आने वाली है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर सके। समृद्धि, इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहती हैं सरकार को या फिर ऐसे लोग जो मदद करना चाहते हैं बट आगे नहीं आ पाते कहीं ना कहीं, तो शुरुआत कहाँ से करें ऐसे लोग? देखिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा सोचा है करने का, और आप लोग भी आगे बढ़िए और मदद करने की सोचिए क्योंकि हम लोग एक परिवार का हिस्सा हैं, भारतीय परिवार का हिस्सा, और हम लोग कर सकते हैं और कोरोना को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते हैं अपने भारत परिवार से। तो आप लोग आइए, मदद करिए और अपना पूरा सहायता करिए जिसके कारण हम सब लोग ये सब बीमारी को खत्म कर सकते पूरी तरीके से। बिल्कुल समृद्धि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ऐसे ही आप नेक काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ऐसे ही जब छोटे छोटे बच्चे इस बात को सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बड़ा करने की चाह रखते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी ज़रूरतमंद आपको नज़र आए उसकी जितनी हो सके उतनी मदद ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।